रवि जी, आप कुछ बोलने के लिए था, मैं रुक दिया। प्लीज आप आगे आगे लेके जाए आपका विचार को। ठीक है, तो फिर मैं फिर से वहीं पर जा रहा हूँ जैसे अभी प्रकाश सरन में मामा जी बोले। तो जो हमारा इतिहास है जो शुरू हुआ था 2014 से, उसके बारे में, और अभी तक जितने भी मोमेंट हुआ है वो तो बोले हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा जो है हमारा जुलाई 21 को जो हमारा गोंडी मानकीकरण दिवस जो मनाना है, उसके लिए हम कैसे कर सकेंगे। मतलब जो भी सजेशन है, मतलब अभी जो पैंडामिक तो टाइम है, पैंडामिक टाइम में दिवस को तो मनाएंगे, तो इसीलिए सभी को अपना जीव रखेंगे। और क्या कर सकते हैं, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि उड़ीसा से हमारे जो एजुकेशन विंग के सेक्रेटरी हैं वो मीना केतन माझी सर, आपको मैं अनुरोध करता हूँ कि जो गोंडी दिव मानकरण दिवस को हम कैसे मना सकेंगे, उसी हिसाब से राय रखेंगे। मैंने कहा था माझी सर। आप कनेक्ट अनम्यूट कीजिए। मीना केतन माझी सर। हाँ सर, जय सेवा। जय सेवा। जय सेवा सर, सभी को जय सेवा। आप बहुत महत्वपूर्ण विषय में आप चर्चा कर रहे हो, बहुत खुशी की बात है। जो गोंडी का दिवस जो मनाने का कार्यक्रम है वो तो बहुत अच्छा है। हम पिछले साल से गोंडी दिवस हमें पालन किया था, वो मोतीलाल रावण कंगाली का जन्म दिवस से, फ़रवरी 2 से, वो बोलांगीर में, बोलांगीर गोंडवाना भवन में किया था, जो कि पहला बार हुआ था। वो कोई भी किसी को सूचना नहीं थी मोती रावण कंगाली के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को हम शामिल किया, बहुत लोकल न्यूज पेपर में आया था, और वो जानने से बहुत लोग बहुत कुछ जानने के पाया। और भी हमारा उड़ीसा में वो 8-9 दिवस मानने के लिए हम लिस्ट किया है, और जो मोतीरावण कांगाली के जन्म दिवस पालन करते, वो अभी रानी दुर्गावती का पालन भी, वो भी 2-3 साल हो गया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हमें, हम प्रायोरिटी देते हैं लोकल मीडिया भी, जो अदर्स समाज भी जानते हैं। सुरेंद्र साय, वीर सुरेंद्र साय बारे में, ऐसे ऐसे हमें 8-8 दिवस पूरा वर्ष सारा पालन करते हैं। और जो आपने प्रयास किया है जन 21 जुलाई को, वो तो हम जरूर करेंगे। और गोंडी भाषा को भी हम प्रायोरिटी देने के लिए हमारा किसी कुछ ग्रुप में कुछ प्रोफेसर है जो जो जानते हैं, डेली 2-4 वर्ड वो लिखते हैं हमारा प्रैक्टिस के लिए। वो हमने ज्यादा तो नहीं, कुछ कुछ हम गोंडी भाषा आता है, और सीखने के आग्रह भी हो रहा है। और जो आपका प्रयास जो जारी है वो तो निश्चित भावे हम सपोर्ट करेंगे और सीखेंगे। बहुत धन्यवाद सर। अभी देखते हैं आगे क्या प्रस्ताव आता है, कैसे करेंगे। तो प्रस्ताव सुनने के बाद उसी हिसाब से हम स्टेट वाइज भी करेंगे। अभी मैं हमारा सीनियर कार्यकर्ता मानिक राव जी, आप कृपया अपना माइक अनम्यूट करके अपना राय रखेंगे कि 21 जुलाई को हमारा जो गोंडी मानकीकरण दिवस कैसे मना सकेंगे, उसी हिसाब से अगर आप सजेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माने क्या सर, मैं आ रहा हूँ। माने क्या सर। हाँ जी जी हाँ जी 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 हाँ, सेवा 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 जोहर जी। अपने जो जुड़े हुए मेरे पुर के लोग, और जो कुछ अपने साहित्य पंडु लोग, मैं
सभी को मैं शतो शत प्रणाम करता हूँ। ऐसे करते करते अभी तक जो कुछ अपने साथ में मिलके काम किए और साथ में है और थोड़े लोग पेनवासी हो गए, मैं उनका पहला अपन जो साहित्य लोग है कितने भी लोग है अपन अपन अपने को उनका श्रद्धांजलि के नाते उनको नमन करना आवश्यकता है। क्योंकि अभी जैसे कि काम करते करते वक्त साहित्य का काम करते करते ही वो रास्ते में दादाजी ने बीच में हमारे बीच से निकल गए और जैसे कि जो अपना कंगाली दादा और वरिष्ठ साहित्यकार और गोंडी भाषिक थे जैसे और सुनील सिंह ताराम दादा ने अपने बीच नहीं है तो अपने को बहुत ये दुखद की बात है। जैसे अभी अपने बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार और पुरके लोग अपने बीच में नहीं है लेकिन उनका जो विचारधारा पे अपने को चलना है। जैसे मोतीरावन कंगाली दादा का भार लेकर वो मोतीरावन कंगाली दादा ने क्या काम किए, उसका भार को कंधे पे लेकर काम करने वाले अपने सलमे पारी जी को और दिन रात या समय को जैसे नहीं देते हुए और समय का लाभ लेते हुए काम कर रहे हैं अभी भी उषा किरण दीदी को, वैसे ही अपने बीच में नए वरिष्ठ साहित्यकार थे अपना कोमल सिंह मराई दादा, ऐसे तो अपन बात उनका इस अवसर पर अपन उनका नमन करना जरूरी है। तो वो जरूरी के लिए अपन आज इतने लोग इकट्ठा हुए जैसे कि ये माध्यम से अपन हजारों किलोमीटर दूर पे रहेंगे लेकिन ये माध्यम अपने को जुड़ा रहे ये धन्यवाद की बात है। और जैसे कि अभी बताए गए अभी ये नेहरू मड़वी दादा ने बताई से बात है जैसे कि ये दूसरा या तीसरा होगा जैसे कि गोंडी मानकीकरण और गोंडी भाषा का दिन उत्सव मनाते गए साल में भी हम दूसरा गोंडी भाषा दिन उत्सव मनाए तो मैंने फोन किया था जैसे कि मध्य प्रदेश से आर के दादा से दशरथ तिरुपति से और जो कुछ अपना साहित्य कर रहे जैसे उड़ीसा मड़कामी दादा से तो अरे ऐसा हम मना रहे करके तो उन लोग ने बता रहे थे कि अरे दादा ये अपने को पता नहीं नहीं सब ठीक है। जैसे कि अपन 2018 में जो 21 जुलाई को एकत्र हुए थे तो ये काम करने के लिए भी अपने को बहुत सराहनीय श्रमदान और मेहनत करे जैसे कि वो सीजी नेट से सुब्रांशु चौधरी को भी अपन एक बार उनको भी धन्यवाद कहना जरूरी है। जैसे कि अपने को 7 राज्य को या 13 राज्य वाले को एक कट्टा मिलाने के लिए अपने को एक ही एक माध्यम है मिलने के लिए, जैसे कि एक तो भाषा होता है एक तो वो लिपि होता है और एक तो संस्कृति होता है, तो ये तीन एक साथ साथ में जुड़ के रहते हैं तो अपन ऐसे उस माध्यम से अपन जुड़ रहे हैं। तो जैसे कि एक भाषा है तो भाषा के जरिए अपना संस्कृति का बचावट होता है, जैसे कि एक जब भाषा चले जाएगा तो संस्कृति जाएगा, संस्कृति जाएगा तो वो जैसे कि वो कम्युनिटी का भी वैनिश हो जाएगा। ऐसे बहुत बड़ा काम अपन कर रहे, ये थोड़ा सा छोटा काम नहीं होता। जैसे कि मोतीरावन कंगाली दादा ने तो इतना अपने को मार्गदर्शन देके गए वो विश्व में कोई नहीं करा मेरा ख्याल है। जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो कुछ वहां पे धरोहर मिली है उसको विश्व में उजागर करके दिखाया और एविडेंस प्रूफ के साथ में, तो जैसे वैसा बहुत बड़े बड़े मुद्दे को जैसे कि अपना साथ में कौन रहना है कौन नहीं रहना है इसके ऊपर अपन विचार मंथन जरूरी है। जैसे कि दादा ने बताया
सलमान पारी ने बताया 14 पॉइंट का एक एप्लीकेशन ह्यूमन रिसोर्स को दिया था, वो काफी मेरे पास भी है। जैसे कि वो जब तक वहां तक गया तो उसमें जो कुछ यूनिकोड में आने के लिए एक शर्तें रखे थी, वो शर्तें के लिए भी अपन इतने दिन से वही रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे कि एक भाषा को प्रमाणीकरण करने के लिए 3000 से ज्यादा लोग स्क्वायर फीट में वो भाषा को बोल सकना है, वो भाषा को समझना है और वो भाषा को लिखना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ मुद्दे थे, तो वो मुद्दे करते करते अपन एक फर्स्ट स्टेप लिए, क्या लिए, अपना भाषा को प्रमाणीकरण करेंगे। तो आज वही काम, तो वो काम को अपन आज ये महीने का 21 को वो उसका स्टैंडर्डाइज दिन को मनाएंगे। और लेकिन भाषा का जन्मदिन मात्र अपने को दादा ने बताया, जैसे जैसे कि इंडिया लेवल का अपन कितने 13 राज्य में है या 18 राज्य में है वो लोग, और कोई भाषी वो लोग, जैसे कि भाषा को पहला उजागर करने में और भाषा का धरोहर को खोद कर निकाले सब, उनको भी अपने को नमन करना जरूरी है। जैसे कि 1921 में जो कुछ मोहनजोदड़ो हड़प्पा का, कालीबंगा का और वहां का खुदाई हुआ, तो उस खुदाई में अपना एविडेंस मिले, जो कुपार लिंगो का जो वहां पे मूर्ति निकला वो अपना मूर्ति है, उसको लिंगो का धरोहर देके आज अपन सिंह मोहर अभी कोया कोया में भी दिख रहा है, हमारा गोंडियन संस्कृति में दिख रहा है, गोंडी में दिख रहा है वो, जैसे कि गुसाड़ी का एक किरीट होता है और जैसे कि सिंह मोहर वो धारण करके, जैसा उतना बड़ा एविडेंस अपने को है, लेकिन गवर्नमेंट को आज तक पता नहीं है। गवर्नमेंट अपने लिए कर रहा, अपने लिए कर रहा, तो अपन उन पे उस पे दबाव लेना पड़ेगा। जैसे कि अपना पारी ने बताया, उसका एविडेंस अपन हर एक घर में जरूरी है। जैसे कि कुपर लिंगो का सिग्मोर धारण का जो आसन बैठा वो चिन्ह है, वो अपना धरोहर, उसको जतन करना और उसको उद्धार करना और गवर्नमेंट तक उसको पहुंचाना, सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन वो अपने पर ध्यान ना देने से अपने को पिछड़ापन आ रहा है। इसके लिए अपने को रात और दिन, अभी अपने साथ में पुर के लोग चले गए और अभी लोग अपन थोड़ा काम करे से लोग बच गए और नया पीढ़ी आ रहा, वो नया पीढ़ी को वो देना अपना कर्तव्य होता है। जैसे कि अभी भी हो, जैसा नया पीढ़ी को अपन देंगे तो बचकर रहेगा और अगला पीढ़ी तक पहुंच जाएगा। जैसे कि ये अपन आज काम कर रहे, जैसे कि अभी भाषा दिन मनाने के लिए, तो भाषा का दिन मनाने के लिए मोतीराम कंगाली दादा का जन्मदिन को भाषा दिन मनाएंगे। और अपने माड़वी नेहरू दादा ने बताया, जैसा ये प्रामाणिक दिन, जैसे कि 21 जुलाई को आए सब दिन को अपन प्रामाणिक दिन मनाएंगे, भाषा को प्रामाणिक कर रहे, प्रामाणिकता के लिए, लेकिन भाषा का दिन को मोतीराम कंगाली का दिन को मनाएंगे। जैसे कि अपना और जो हीरा सिंह मरकाम दादा का जन्मदिन है, जैसे कि 14 जनवरी को उनका जन्मदिन अमरकंटक में मनाते हैं। जैसा एक एक के लिए एक एक इंपॉर्टेंस अपने को मनाते जाना जरूरी है, क्योंकि तो अभी आने वाला पीढ़ी उसको मनाएगा, उसको गौरव देगा और याद भी करेगा, नमन भी करेगा। ऐसा मैं अभी हूं लेकिन कल का मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन ये साहित्य के जरिए हाँ अगला पीढ़ी अपने को याद करेगा, ऐसा काम करना जरूरी है। जैसे कि अभी अपने बीच कोमल सिंह मरई दादा नहीं है, आराम दादा नहीं है, बंगाली दादा नहीं है, बताइए मानेगा सर। एक्चुअली पर्टिकुलर उस दिन में हम क्या करें वो थोड़ा बता देंगे, अच्छा होगा, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, कुछ तरीका हम क्या कर सकेंगे उसी से सबका प्रश्न है। ठीक है ठीक है, तो अभी ठीक है, वो आज अपन मैं पूरा जैसे कि ये भाषा मानकीकरण का दिन गए साल में भी बताया कि ऐसा हम ये गोंडी भाषा का
दिन मना रहे करके गए साल में बताए, तो उन लोग ने सुझाव दिए थे कि नहीं हम हमारे इधर तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में इधर नहीं, हमको फरवरी 28 को मोतीराम कंगाली दादा का जन्मदिन को हम भाषा दिन मनाने का जो निर्णय लिए वैसा हम मना रहे करके मनाए थे। तो ठीक है, अभी इसके ऊपर ये आज भी बात वही निकला जैसे कि अपना सलम दादा ने बताया, जैसा पारी ने बताया जैसा, वो ठीक है। अभी जो कुछ नया पीढ़ी आ रहा, नया पीढ़ी को भी साहित्य का बहुत जरूरत है। मुझे मेरे साथ में जैसे कि मेरा गुरुवर्य अर्जुन श्रीराम दादा ने भी, वो भी बेचारा बहुत से काम करा कंगाली दादा के बराबर का और अपना पारन दादा के बराबर के, लेकिन वो भी आज जीवित है लेकिन अपंग बन गया, जैसे कि एक पाँव खटा गया है, जैसे अभी वो काम भी नहीं हिल सकता, लेकिन उनका भी काम को अपन आगे ले जाना अपना दायित्व होता है। जैसे ही बहुत बड़े बड़े दायित्व है और बीच में कभी ये जैसे कि रायपुर से एक न्यूज आया था जैसे कि 8 कोड में गोंडी भाषा का प्राण मान्य करण, जैसे कि न्यूजीलैंड का वो इंजीनियर से इन लोग बनाए, जैसे एक आ रहा, लेकिन अपना विराम नहीं होना चाहिए, अपना श्रम चालू रहना चाहिए भाषा के लिए। इतना ही कहकर मैं आप आज जुड़े सो मेरे बुजुर्ग लोग और विद्वान लोग और साहित्यकार को नमन करते हो, मेरा वाणी यहीं विराम करता हूँ। जय श्री मामा, आपको धन्यवाद जो आपने बताया। सलोमिन मामा ने आपने दोनों एक बात अच्छा से बताया, कंगाली दादा ने गवर्नमेंट को गोंडी भाषा के रिकॉग्नाइजेशन के लिए उसका प्रमाण फिल करके, पैरामीटर्स पूरा फिल करके एक एप्लीकेशन दिया है, रिप्रेजेंटेशन, वो कापी माणिकराव मामा के पास आई बोल रहे हैं। हम विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके पास जो कापी है वो प्लीज हमारा पूरा टीम मेंबर को हमारा ग्रुप में वो अच्छा से फोटो खींच के हमको फॉरवर्ड करिए ग्रुप में, उसको पकड़ के इस 21 को हम गवर्नमेंट को फिर एक बार वही रिप्रेजेंटेशन को रेफरेंस करके फिर एक बार लोकल गवर्नमेंट को, कम से कम ITDA PO को, नहीं तो कलेक्टर को, नहीं तो कोई मिनिस्टर है तो मिनिस्टर को, हम इस 21 को उनको इनवाइट करके उस कार्यक्रम में हम देने का कोशिश करेंगे। और एक बात, आंध्र तेलंगाना में 3 साल से कोया भाषा गोंडी भाषा दिवस 21 जुलाई को ऐसा कर रहे हैं हम, यहाँ का ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी एक है, वो है ITDA, ट्राइबल इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, वहाँ ही हम स्टैंडर्डाइजेशन का वर्कशॉप्स भी किया था आदिलाबाद उटनूर में, भद्राचलम में, चिंतूर में, वही ITDA के सपोर्ट से हम 3 साल से कोया भाषा का दिवस मनाते, ITDA को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देते देते आ रहा है। और एक बात, एक गोंडी भाषा का डिक्शनरी को ट्रांसलेशन तेलुगु में लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने का रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ ही दिया है पिछले कोया भाषा गोंडी भाषा दिवस में, वैसा ही हम इस बार भी लोकल, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं तो डिविजन लेवल में हमारा समाज, ज़्यादा समाज कहाँ इकट्ठा है, एक एरिया में है, रहते हैं हम 5th Schedule एरिया में, उस एरिया में हमको कम से कम बड़ा बड़ा संगठन कुछ हमारे साथ काम करने का संगठन है, शायद अभी ओडिशा में देखा तो कोया समाज है, आदिलाबाद में देखा तो राय सेंटर है तेलंगाना में, यदि इधर हमारे भद्राचलम और चिंतूर एरिया में देखा तो हमारे आदिवासी संक्षेम परिषद जैसा कोया भाषा के विकास करने के काम कर रहे हैं, ऐसा संगठन से मिलकर हम वहाँ
कुछ काम करके, कुछ अच्छा मीटिंग करके, उस मीटिंग में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को किसी को बुला के, मिनिस्टर को या नए लोकल लोकल आईटीडी एपीओ प्रोजेक्ट ऑफिसर जैसा एएस ऑफिसर को बुला के, वहाँ हमारा कोया भाषा का रिकग्नाइजेशन क्यों चाहिए, कहाँ रुका है, उसके साथ हमारा विकास, हमारा अस्तित्व कैसे होता है लैंग्वेज के साथ, वो हम उसको पता करके उसको दे सकते हैं, ऐसा हम प्लानिंग करना चाहिए। और एक बात क्या है कि आंध्र और भद्राचलम, आंध्र और तेलंगाना का बीच का एरिया है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि 2019 में कोया भाषा का दिवस को पहले वीक में, हफ्ते में रेला पाटा, कोया पाटा को फिर विकसित करने के लिए रेला पाटा वैभव एक वर्कशॉप करके दोनों सांग को, अभी तक हमारा सांग्स मौखिक, क्या हमारा मुंह से आता है, उसको म्यूजिक कुछ नहीं आता है इधर हमारे तरफ से, क्योंकि हमारे तरफ ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मगर आदिलाबाद का आनंद तोटी को सपोर्ट लेके आके हमारा पूर्व पुरातन सांग को, वो हमारा फेस्टिवल होली सांग को, दोनों सांग को हम रिकॉर्ड किया था विद म्यूजिक के साथ, वो अभी इधर आंध्र और तेलंगाना उड़ीसा में बहुत पॉपुलर हो गया है, हिट हो गया है वो सांग। ऐसा भाषा के साथ ही साथ हमारा पाटा को भी हम विकास करने का प्रयास कर रहा है। और एक बात क्या है कि पिछले 2020 में हम एक काम किया है, एक गोंडी भाषा बोल के एक ऑनलाइन में एक सांग मिला है, वो सांग को हमने हमारे नया पीढ़ी के लयवा के साथ, गर्ल्स के साथ एक वीडियो एल्बम बना के वो रिलीज किया है। ऐसा हमारा भाषा के दिवस को पिछले वीक, पिछले ऑनलाइन मीटिंग में नारायण मरकाम जी और कुछ लोग ने बोला है, भाषा के साथ ही साथ कोड़ापे दी बाटो ने बोला है महाराष्ट्र से, भाषा के दिवस में हमारा भाषा को उन्नति करने का, विकसित करने का कुछ काम भी हम करना है। ऐसा आंध्र में हम शुरू किया है, एक पाटा को बचाने का वर्कशॉप किया है, पाटा के साथ ही साथ हमारा विजुअल, हमारे पाटा को विजुअलाइज करने का काम भी हम शुरू किया है। उसके साथ 5 साल पहले ही कोया भाषा के प्रमोशन के लिए ही एक कोया टीवी शुरू किया है, ये यूट्यूब चैनल, ऐसा काम हम भी आगे कर सकते हैं, ये मेरा सूचना है, बाकी लोग बात करिए। ठीक है दादा, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है जी। जैसे कि अभी मानिकराव जी बोल रहे थे सर, उनका बात जितना सुने उतना काम है, तो उतना मार्गदर्शन मिलता है उनसे, लेकिन समय के पवन में हम बंधे हुए हैं, तो इसलिए हम सब समय को ध्यान में रखते हुए अपना अपना प्रस्ताव रखें। डिनर का टाइम भी हो गया है, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा भीमराव सर से जी, 21 तारीख को कैसा करेंगे, जैसा अभी प्रस्ताव नेहरू दादा ने भी दिया है कि हम मेमोरेंडम टाइप कुछ लिख के या डिमांड कुछ करके दे सकते हैं, सर आपका क्या राय है इसमें? भीमराव सर अपना बात रखेंगे प्लीज, घटना का भीमराव सर घटना का भीमराव सर शायद सुन नहीं पा रहे, तो नहीं आ रहा उसका। भीमराव जी एक मिनट, भीमराव जी 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 एक मिनट।